बीसीसीआई और पीसीबी के बीच एशिया कप को लेकर विवाद बना हुआ है। एशिया कप पर पाकिस्तान बोर्ड ने फिर से यू टर्न ले लिया है। वहीं इस बार हालात पर बात करने और मसले को सुलझाने के लिए पाकिस्तान बोर्ड के चीफ जका अशरफ और बीसीसीआई के सचिव जय शाह के बीच बातचीत होगी। दरअसल पिछले दिनों जका अशरफ पीसीबी के नए चीफ बने, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि वह एशिया कप के प्रस्तावित शेड्यूल से खुश नहीं है। एशिया कप के मुकाबले पाकिस्तान के अलावा श्रीलंका में भी खेले जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान की नई डिमांड है कि टूर्नामेंट के सारे मुकाबले पाकिस्तान सरजमी पर ही खेले जाएं। पहले ऐसा माना जा रहा था कि इस सप्ताह एशिया कप का शेड्यूल आ सकता है, लेकिन अब जैसा और जका अशरफ के बीच मीटिंग के बाद शेड्यूल का ऐलान संभव है। वहीं पाकिस्तान के खेल मंत्री एहसान मजारी ने हाइब्रिड मॉडल को खारिज कर दिया है, जबकि एशिया कप के लिए हाइब्रिड मॉडल का सुझाव पीसीबी के तत्कालीन चीफ नजम सेठी ने ही दिया था, लेकिन अब पाकिस्तान ने अपने फैसले पर यू टर्न ले लिया है। वहीं इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए पाकिस्तान के खेल मंत्री एहसान मजारी ने कहा कि पाकिस्तान एशिया कप का मेजबान है, इसलिए टूर्नामेंट के सारे मुकाबले पाकिस्तान पर ही खेले जाने चाहिए। पाकिस्तान के खेल मंत्री एहसान मजारी ने साफ तौर पर कह दिया है कि वे हाइब्रिड मॉडल नहीं चाहते, लेकिन भारतीय टीम एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आएगी तो फिर पाकिस्तान टीम भी वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर एशिया कप के लिए भारत को न्यूट्रल वेन्यू चाहिए तो फिर वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान को भी न्यूट्रल वेन्यू चाहिए। वैसे इस बारे में आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताना बिल्कुल मत भूलना।